धरती के पास एक धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है, वो गुजरता हुआ दिखा, जिसे लोग सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी से जुड़े जानकारों का कहना है कि एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे साल ये पुच्छल तारा मौसम साफ रहने पर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि धूमकेतु कई हजार साल बाद दिखाई दे रहा है, जिसे दूरबीन, टेलीस्कोप इत्यादि से देखा जा सकेगा। वैसे शहर के दूर के इलाकों में जहाँ मौसम साफ दिखाई देता है, वहां पर इसे आंखों से देखा जा सकेगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के स्मॉल बॉडी डेटाबेस के अनुसार ये धूमकेतु C2023A3 पृथ्वी के करीब दिखाई दिया। हालांकि ये 12 और 13 अक्टूबर को और ज्यादा करीब था, लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं दिया। इसकी धरती से दूरी करीब 7,06,69,238 किलोमीटर होगी। फिलहाल ये धूमकेतु 80.74 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से ये 15 से 20 मिनट तक सूर्यास्त के समय दिखाई दिया। माना जा रहा है कि अपनी चमक की वजह से कॉमेट ऑफ द ईयर की पदवी भी हासिल कर सकता है। पृथ्वी से लगभग 7,39,13,477 किलोमीटर की दूरी से भी आगे निकल चुका है। अभी यह 3.2 प्रकाश परिणाम से प्रकाशित हो रहा है। इस धूमकेतु के टूटकर बिखर जाने की भी आशंका थी, लेकिन सितंबर में ये लौट आया और अब जोरदार चमक के साथ पश्चिम के क्षितिज पर चमचमा रहा है। ये धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो रहा है। सोसाइटी की तरफ से खगोल विज्ञान को पसंद करने वाले प्रेमियों को ये पुच्छल तारा टेलीस्कोप से दिखाया गया तो वो रोमांचित हो उठे। ये हल्के लाल रंग में नजर आता है। वही धूमकेतु पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों की नजर हर पल इस पर टिकी हुई है। धूमकेतु का आकार 50 किलोमीटर से बड़ा हो सकता है, छोटे आकार वाले धूमकेतु कहलाते हैं। 10 किलोमीटर से अधिक आकार वाले बड़े धूमकेतु कहलाते हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा बड़े गोलार्ध धूमकेतु कहलाते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।